नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे मकर राशि वाले कैप्रिकॉन व्यक्ति पर्सन वाले जो भी है भाई बहन, उनका कैसा रहेगा अक्टूबर 2018 का महीना। मकर राशि वाले शनि के घर की राशि, आगे मैंने बहुत ही बार उनका उल्लेख किया है कि वो ज़्यादा ही पैसिनेटिव रहती है, लेकिन एक सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, उन्होंने वो भी पार कर दी है अभी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम सब तकलीफें झेल के बैठे हुए हैं और अभी भी वो सब चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा उनके लाइफ में चल रहा है, फिर भी अभी एक ऐसा प्लैनेट चेंज हो रहा है जिसके हिसाब से उनको काफ़ी हद तक शांति राहत अभी महसूस होने लगेगी, क्योंकि ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा ग्रह है गुरु महाराज, उनका एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है 11-10 को। इनके हिसाब से अक्टूबर महीने में इनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीवन है, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस दिखाई देंगे। और केतु का जो भ्रमण है वो भी काफ़ी हद तक अभी धीरे धीरे ख़त्म होने के लिए नज़दीक आ गया है, तो उनको देखेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे अक्टूबर महीना इनके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि शनि के घर की राशि और लग्नेश जाके बैठा हुआ है 12th हाउस में, और वो भी अभी मार्गी हो गया है। पहले शनि महाराज खुद वक्री थे, लेकिन अभी वो मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होते हुए ही इनका काफ़ी हद तक अभी इनके काम थोड़े थोड़े बनने के आसार यहाँ दिख रहे हैं। इनका जो सबसे बड़ा ग्रह जो प्लेनेट चेंज हो रहा है वो है गुरु महाराज। गुरु राशि चेंज करके 11-10 को आएंगे वृश्चिक राशि में 11th हाउस में, और वो खुद उनकी जो दृष्टि है वो गिरेगी सप्तम स्थान पे, जो उनको पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से या अदर पार्टनर से इनको तकलीफें झेलने को मिल रही थी, उनमें काफ़ी हद तक उनको अभी कटौती दिखेगी, काफ़ी हद तक उनको एक अच्छा प्लस पॉइंट दिखेगा। वो पार्टनर, वो लाइफ पार्टनर अभी उनको जो हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको जो ज़्यादा फेस कर रहे थे प्रॉब्लम उनसे, वो लोग वो अभी इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गुरु की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी जगह पे आके बैठ गई है, और गुरु आपके सप्तम स्थान को देखेगा, पार्टनर को आपको शांत करेगा। पार्टनर जो आपके ऊपर एग्रेसिव थे, एंग्री थे, वो अभी कहीं ना कहीं से आपके लिए थोड़ा सॉफ्टनेस नज़र आएंगे, आपसे कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस से आपके बात करेंगे, कोई ना कोई ऐसा हल निकलेगा जिसके हिसाब से जो वाद विवाद आपके बीच चल रहा था वो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे सुलझता हुआ नज़र आएगा। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही ताकत आपके अंदर आ गई है, केतु के साथ है, कोई ऐसा बड़ा साहस नहीं करना, फिर भूल से भी कोई ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मंगल केतु कोई बड़ा साहस करवा देता है, कोई अचानक कोई ऐसा आपसे गलत काम भी हो सकता है, इसलिए मंगल ज़्यादा ताकत देता है वो भी बेकार होती है, इसलिए मंगल यहाँ ज़्यादा ताकत लेके आया है, क्योंकि वो केतु के साथ है, केतु बिना माथे का है, वो गलत काम करवा सकता है आपसे। सातवां राहु चल रहा है, अभी भी आपको बदनामी का डर है, फिर भी गुरु की हाजिरी होते हुए आपको वो डर निकल जाएगा। शुक्र यहाँ मालवीय योग बना के बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा राजयोग है आपका, इसलिए शुक्र का जो फ़ायदा आपको उठाना है वो आप उठाओ। बेवरेजिस से, रेस्टोरेंट से, कपड़े से लगते जितने भी व्यक्ति पर्सन है उनके लिए सबसे बड़ा राजयोग बना के यहाँ शुक्र बैठा हुआ, आपका काम अभी बढ़ेगा, कपड़े का बनेगा, डायमंड्स वालों का बढ़ेगा, कलर केमिकल्स वाले का बढ़ेगा, जितने भी फर्नीचर वाले हैं भाई बहन उनका भी काम बढ़ेगा, रिटेल स्टोर वाले जो भी कपड़े वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनका भी अभी काम बढ़ने वाला है। इसलिए यहाँ जो प्लैनेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अभी मकर राशि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी धीरे 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 प्रगति करने की ओर जा रही है, क्योंकि केतु इनका अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, केतु का जो अंश है वो काफ़ी लो हो गया है, 9 अंश के केतु महाराज रहे हैं 8 अंश के करीब करीब, और शनि भी अभी इनका मार्गी हो गया है, तो इनको इतनी तकलीफें अभी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये अच्छी डेट्स है, ये बैड डेट्स है, और ये लक्की डेट्स और लक्की नंबर आपको यहाँ मैंने डाल के रखे हैं, इसको थोड़ा फॉलो करके चले आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा नज़र आएगा। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।